हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की। और जिस किसी के भी पास ये शेयर है वो समझ लीजिए कि आज की तेज़ी से ये समझ आएगा कि काफ़ी टाइम से इस शेयर के अंदर जो धीरे धीरे स्पीड बन रही थी वो अब स्पीड तेज़ी पकड़ती हुई नज़र आएगी। जिस हिसाब से काम होता हुआ नज़र आ रहा और जिस हिसाब से शेयर के अंदर दमदार रैली आज के दिन में निकलती हुई दिखाई दे रही है, उससे आप ये समझेंगे कि हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर है तो पेशेंस रखिएगा, चलेगा और इतना तेज़ी से चलेगा कि आप तगड़ा रिटर्न कमाएंगे। हालांकि चला तो काफ़ी ज़्यादा है, कंसोलिडेशन भी हुआ है और वही रीज़न है कि अब कुछ लोग जो फंसे हुए हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यही है कि शेयर के अंदर मजबूती आने वाली है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं किस हिसाब से इसने बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाया और उसके बाद ये कंसोलिडेशन मोड पर जाता हुआ नज़र आया, लेकिन वहाँ से फिर से अभी शेयर के अंदर तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। जिस हिसाब से रिटर्न और रिजल्ट आते हुए इस शेयर से दिखाई दे रहे हैं वो समझ लीजिएगा कि कैसे रिटर्न और रिजल्ट दोनों ही बढ़िया मजबूती के साथ इस शेयर से निकले हैं। और यहाँ अगर आप देखें 16 जून को ये शेयर 2000 की रेंज में था, वहाँ से ये शेयर अगर आप देखें तो ये बहुत बढ़िया हाई मारता है। ये देखिए, ये 3800 का हाई मारता है, यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि ऑलमोस्ट इसने 90% तक के रिटर्न जनरेट किए और उसके बाद पलटी मारी और पलटी मारने के बाद आपको 3137 रुपये पर मिला लोएस्ट 3 अक्टूबर को। और वहाँ से फिर से इस शेयर के अंदर मजबूती आई और 3569 पर इस समय ये ख़रीदारी के लिए रुका हुआ है। रुकना और ठहरना दोनों ही चीज़ें वाकई में काबिले तारीफ़ हैं। आपको माल कहाँ लगाना है ये ज़रूरी बात है, क्योंकि ठहराव आते रहते हैं ज़िंदगी में। और वही रीज़न है कि ठहराव आपको किस हिसाब से समझने चाहिए, कैसे आपको उसको देखकर आगे बढ़ना है, वही रीज़न है। यानी कि शेयर के अंदर जहाँ गिरावट है एक ठहराव है, आपको माल उधर ही लपक लेना है। और यही रीज़न है कि अडानी जैसी कंपनी के अंदर अगर आप अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड हो, अडानी टोटल गैस हो, अडानी पोर्ट्स हो, कोई भी शेयर ले लीजिएगा अडानी का, बहुत मजबूत तरीके से इस समय भागता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल ईयर टिल डेट की बात करें 108% तक के रिटर्न इस शेयर ने दिखाए हैं। मजबूती चारों तरफ से इस शेयर के ऊपर हावी है। गिरावट में समझिएगा, गिरावट नहीं है, वो एक मौका है। और मौके पर आपने अगर चौका लगा दिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है। यही रीज़न है कि कैसे ये शेयर बहुत बढ़िया मजबूती के साथ आगे भाग रहा है। और आगे भागते हुए शेयर के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की जाती है और वो है इन्वेस्टमेंट। एक साल के अंदर रिटर्न को अगर कैलकुलेशन करें, मोटे तौर पर 143 के निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि थोड़ी सी करेक्शन भी शेयर के अंदर आई, और हर किसी की लाइफ में करेक्शन ज़रूर आती है, भागते रहना थक भी जाओगे, लेकिन वहीं पर इस तरह का जो शेयर है वो वाकई में बहुत बढ़िया मजबूती के साथ ये रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार फाइनेंशियली रूप से मैं आपको इसका डाटा नज़र कराता हूँ, वहाँ पर आप समझेंगे कि कैसे ये कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है और कैसे आगे भी एक मजबूत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बनाती हुई दिखाई देगी। तो अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर मार्केट कैप की टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी कंपनी है, जायंट ऑफ दी कंपनी। लोअर हाई पे ध्यान दीजिएगा, 1411 का लो है, 3085 का इसका हाई है, 14/28 और 28 के बाद 38, मतलब समझिएगा बहुत तगड़ा रिटर्न। 3536 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, हाई के नियरबाई ही ट्रेड कर रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किधर चलना है। ये चार्ट है और चार्ट जिस हिसाब से नज़र आ रहा है, आप समझ लीजिएगा कि जिसके पास भी है बहुत मोटे रिटर्न के ऊपर बैठे होंगे आप। नंबर वन कंपनी, अपने सेगमेंट की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सेल वाइज, रिटर्न वाइज यहाँ पर दीजिए ध्यान। और क्वार्टरली नतीजों में अगर आप देखें तो यहाँ ये चार नतीजे इस शेयर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 195 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद ये शेयर फिसला और उसके बाद फिर से मजबूती 326 और 470 ऑलमोस्ट। ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछला साल ख़राब हुआ, इस वजह से शेयर ने थोड़ा सा डिक्लाइन दिया और उसके बाद फिर से मजबूती शेयर के अंदर 991 पर आती हुई दिखाई दे रही है। और अब जो स्पीड शेयर के अंदर है वो अगर इसने पकड़ ली तो फिर शेयर रुकने वाला नहीं है। करें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस हिसाब से शेयर होल्डिंग इस शेयर के अंदर दिखाई दे रही है। FIDII ने क्वार्टरली सितंबर के अंदर माल घटाया है और वाकई में
FII तो कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर माल घटा रहे हैं, क्या रीज़न है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन शेयर भाग रहा है। चीता दौड़ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, अगर ना दौड़े तो ज़रूर टेंशन है। तो इस टैली को भी ज़रूर आप समझिएगा।